नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल फ्री लीगल एडवाइस में। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है, क्या ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जो आप करते हैं उसकी कोर्ट में एडमिसिबिलिटी है या नहीं है, कोर्ट आपके इस एविडेंस को मानेगी या नहीं मानेगी। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल फ्री लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचते रहें, आप तक मिलते रहे। दोस्तों, आते हैं हमारे टॉपिक पे और बात करते हैं कि क्या वीडियो एविडेंसेस या ऑडियो एविडेंसेस जो आप अपने मोबाइल फोन में कलेक्ट करते हैं, किसी ऐप के थ्रू आप रिकॉर्ड करते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसकी कोर्ट में मान्यता है, एडमिसिबिलिटी है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि धमकी के मैटर्स होते हैं या कि परिवार के मैटर्स होते हैं, जैसा डिवोर्स के हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं, इन सारे मैटर्स में, या कि आप बाहर गए और आपका किसी से झगड़ा हो गया, और अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको कोई थ्रेट कर रहा है, आपको कोई धमकियां दे रहा है, तो इन सारे मामले में कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक पर्सन रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर देता है, क्योंकि आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है, सभी के पास में मोबाइल फ़ोन होते हैं और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। तो इस कंडीशन में क्या आपको ये कोर्ट में मदद मिलेगी अगर आपने इस तरीके के एविडेंसेस रिकॉर्ड किए हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो चेंजिंग सिनेरियो है, इट मीन्स पहले तो ये सब नहीं होता था, लेकिन आज के समय में ये बहुत कॉमन हो गया है। हर एक के फ़ोन में मोबाइल फ़ोन है और डिजिटल इंडिया में सारा कुछ डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस हिसाब से जो वॉइस रिकॉर्डिंग है या कि वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं, इस टॉपिक के ऊपर इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, निश्चित रूप से ये एडमिसिबल है, और ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जितने भी होंगे, यानी वो चाहे ऑडियो फॉर्म में हो या वीडियो फॉर्म में हो, अगर वो जेन्यून है, जेन्यून का मतलब अगर उनके साथ में किसी तरीके से छेड़खानी नहीं की गई है, उनके साथ में काट छाट नहीं की गई है और वो सही है, तो उसकी जेन्यूननेस को देखते हुए कोर्ट एडमिट कर सकती है एज एन एविडेंस। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगी। लेकिन इसके साथ ही ये जानना ज़रूरी है कि किन टर्म्स एंड कंडीशन पे कोर्ट उसको एडमिट करेगी। सबसे पहला तो ये है कि जो भी केस आपका चल रहा है, सपोज डेट आपका फैमिली मैटर हो सकता है, चाहे वो डिवोर्स का हो या मेंटेनेंस का हो, या कि आपका कोई ब्लैकमेलिंग का केस हो सकता है, डिफेमेशन का केस हो सकता है, तो इन सभी केसेस में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड फैक्ट्स ऑडियो एविडेंस या वीडियो एविडेंस में है या नहीं। अगर नहीं है तो कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगी, और अगर वो इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है उस केस के लिए, तो कोर्ट उसको एडमिट कर सकती है। मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाना चाहूँ कि जैसे मेरा और आपका एक झगड़ा हो गया, आप मुझे गलत तरीके से गाली गलौज करते हुए बात कर रहे हैं, अगर मैंने आपका रिकॉर्डिंग कर लिया तो ये कोर्ट एडमिट करेगी। अगर मैंने आपके अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस फाइल किया है, या कि अब्यूज़ के लिए मैंने आपका कोई केस, क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट में फाइल किया है, लेकिन अगर इसकी कोई रेलिवेंसी ही नहीं है, अगर मैं किसी सिविल मैटर में आपका इस रिकॉर्डिंग को प्रोड्यूस करूंगा तो इसकी कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं है, और कोर्ट इसको इस रिकॉर्ड पर नहीं लेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसका हमारे एक पर्टिकुलर केस से कोई लेना देना ही हो सकता है, ना हो इस वजह से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस कंडीशन में आपने उस ऑडियो और ऑडियो और वीडियो एविडेंस को रखा है, रखना भी बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स जिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को आपने सेव करके रखा, तो ऐसा तो नहीं कि उसके साथ में छेड़खानी हुई है। तीसरी बात यह कि कितने लंबे समय तक रखा है, आपने 5 साल से कम समय के लिए रखा है या नहीं रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑडियो एंड वीडियो जो ये एविडेंसेस होते हैं, थोड़े टाइम के बाद में वो डिग्रेड होने शुरू हो जाते हैं, अपने आप से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी सत्यता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि एक लंबे समय का वो रिकॉर्डिंग ना हो। इट मीन्स अगर कुछ पुराने टाइम का है, 5 साल से कम समय का है, तो डेफिनेटली कोर्ट उसको एडमिट कर सकती है, अगर वो पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है और अगर उसकी सत्यता है तो। दोस्तों, इसके साथ ही बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड होते हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B में एडमिट होते हैं। जी हाँ, ये जुडिशियल डिसीजन होता है, कोर्ट का पावर होता है कि कितने भी जो एविडेंसेस आपके होंगे, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में है या वीडियो फॉर्म में है, कोर्ट उसको एडमिट कर सकती है, परमिट कर सकती है एप्लीकेंट को कि वो कोर्ट में ये सबमिट करे, लेकिन उसके लिए जो शर्तें, जैसा मैंने आपको बताया, वो इसके साथ ही साथ जो कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन रिलेटेड मैटर या फैक्ट से होना चाहिए, जो आवाज़ है
या जिस लोग को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो पर्टिकुलर पर्सन आइडेंटिफाइड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि वही पर्सन है जिसके अगेंस्ट में आपने केस फाइल किया है या करना चाहते हो। दूसरी बात, अगर वॉइस की बात है तो उसकी आवाज़ भी एक्यूरेट होनी चाहिए, काफ़ी एक्यूरेट होने के साथ ही साथ आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि उसी पर्टिकुलर पर्सन की आवाज़ है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर इंटरप्टेड वॉइस होगी तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी। नाउ फ़ोन रिकॉर्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉइस रिकॉर्ड रहता है, और इसकी जो कंडीशन है, सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि वॉइस कंडीशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, मतलब आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। फिर जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से काट छाट करके आपने जोड़ तोड़ के कोर्ट के सामने सबमिट कर दिया ना। उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि जो पूरा कन्वर्सेशन है वो आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना, ऐसा नहीं कि आपने बस एक लाइन के 2 या 4 सेकेंड का क्लिप प्रेजेंट कर दिया। आपको प्रॉपर जो कम्युनिकेशन हुआ है वो पूरा कंसर्न कम्युनिकेशन कोर्ट के सामने आपको देना होगा। इसके साथ में जो रिकॉर्डिंग है काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, और उसमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस वॉइस में नहीं होना चाहिए। ऑडियो है तो ऑडियो एंड वीडियो है तो वीडियो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे मैटर्स होते हैं, जैसे ब्राइबरी के मैटर्स होते हैं जहाँ पे रिश्वतखोरी होती है, या कि थ्रेट होती है, धमकियाँ होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, तो इन सारी चीज़ों में ये आप रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया, इंडियन एविडेंस सेक्शन 65B में आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। दोस्तों, आपके कोई अगर सुझाव हैं, कोई अगर आपके कमेंट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसके साथ ही साथ हमारा चैनल फ्री लीगल एडवाइस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे कोई लीगल सजेशन लेना चाहते हैं, तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत कीमती समय, महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद।